कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको पहलमा कालेबुङमा विभिन्न रोजगारमुखी उच्च परीक्षाहरूको तयारी हेतु अध्ययन कक्ष महकुमा पुस्तकालयमा लक्ष्यको उद्घाटन गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पाण्डे उपस्थित रहेका थिए। अतिथिहरूको बाहुलीबाट उक्त कक्षाको विविध रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो। जिल्लाबाट सङ्घ लोकसेवा आयोग र अन्य विभिन्न परीक्षामा बस्न तयारी गर्न अध्ययन कक्ष बनाइएको हो। जिल्ला प्रशासनले परीक्षाको निम्ति तयारी पुस्तक र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने जिल्लाबाट परीक्षामा बस्न चाहनेले आएर अध्ययन गर्न जानकारी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासनबाट आह्वान गरिएको छ। उक्त केन्द्रमा विभिन्न प्रकारको किताब समाचार पत्र पत्रिका जिल्ला पुलिसद्वारा पनि सहयोग गरिने एसपी श्रीहरि पाण्डेले बताएका छन्। यसलाई लाभकारी बनाउन जिल्ला प्रशासनले पनि सहयोग गर्ने श्रीहरि पाण्डेले बताएका छन्। सब डिभिजनल लाइब्रेरी एउटा तारा थपिएको छ र यो लक्ष्यको रूपमा थपिएको छ र यो हुनुको पोसिबिलिटी भइसक्यो भयो। यसको मेन मुख्य हाम्रो सर डिएम सरलाई जान्छ उहाँको अथक प्रयास, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसर म्याडम एसएसएमको उहाँको अथक प्रयासले आज यो मुमकिन भएको हो। र मञ्चमा उपस्थित हाम्रा डिएम सर, एसपी सर, एडिएम एलआर सर, एडिएम डेभलपमेन्ट सर, सिनोरा म्याम, हाम्रो डिएमडिसी सर, भिडियो सर, यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा स्टुडेन्ट्स विद्यार्थीवर्गमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो लाइब्रेरीलाई यति योग्य सम्झिदिनु भयो सरहरूले, एउटा नानीहरूलाई आउँदो भविष्यको लागि लक्ष्य दिनुभयो। नानीहरू यहाँबाट यस चेयरमा आउनु खालि यो पछाडिको किताबको फरक छ। तपाईँहरूकोमा बाटो पनि छ, किताब पनि छ, यो चेयरबाट अब यो चेयरमा आउनु मात्रै तपाईँहरूलाई बाँकी छ। सो यो लक्ष्य हामीलाई उपहार स्वरूप दिनुभएकामा म विभागको तर्फबाट, सब डिभिजनल लाइब्रेरीको तर्फबाट हजुरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू म्याम। आप सभी यहाँ पर हैं, एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, डीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं और सभी ऑफिसर्स हैं, वो कोई ना कोई एक जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको पास करके ही यहाँ आए। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, डब्ल्यूबीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो सभी एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे आए। तो हम लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो थोड़ा सा उसी से आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं उसमें दिल्ली में था, उसमें मेरा घर फरीदाबाद में था, तो फरीदाबाद से दिल्ली मेरे घर का डिस्टेंस कितना होगा, 25-30 किलोमीटर जहाँ पर तैयारी होती है। तो मैं घर पर तैयारी कर सकता था, कोचिंग से 25-30 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है। बट मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं, घर पे अगर माहौल नहीं है तैयारी करने का तो आप ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ तैयारी हो। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहीं जाके रहने की ज़रूरत है, बट मेरे कहने का मतलब है कि आपको जब तैयारी करते हैं ना, आपको एक सर्टेन माहौल चाहिए। माहौल कोई भी हो सकता है, किसी को एकदम शांति से पढ़ना पसंद है, किसी को डिस्कशन करने करके पढ़ना पसंद है। सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है और अंडरस्टैंडिंग का तरीका भी अलग अलग है। एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम वही क्लियर करता है जो बेसिकली चीज़ों को समझता है, वो थ्रू डिस्कशन हो या खुद सेल्फ स्टडी हो। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है डीएम साहब के द्वारा यहाँ पर आप लोग को एक कॉर्नर देने के लिए, ये केवल यही नहीं है कि आप बुक्स यहाँ पढ़ेंगे, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जो आपके यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं उससे आप कोई टॉपिक मान लीजिए उन्होंने पढ़ा, आपने पढ़ा, एंड यू कैन डिस्कस इवनिंग में कि भाई ये ऐसा था तो ऐसा कैसे हो गया, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। एक जगह, एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आपके ऐसे ही लोग जो लोग ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अपने आप में एक सहूलियत की चीज़ है, वो जनरली घर से नहीं मिलेगा, घर पे पढ़ाई करने से नहीं मिलेगा। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक, तो आपके जो आपका बड़ी बोल सकते हैं जो तैयारी के दौरान होता है,
कबड्डी एक टॉपिक पढ़ रहा है, आप एक पढ़ रहे हैं, यू आर डिस्कसिंग एंड क्लियरिंग योर डाउट्स। सो इससे अच्छा कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं होता। तो मैं डीएम साहब और जो पूरी लाइब्रेरी की टीम है और जो डिपार्टमेंट से जो आप लोगों को ये मौका मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप लोग आने वाले दिन में उसको अच्छा सा उपयोग करें। और हमारे तरफ से जो कोई हेल्प लगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस से तो प्लीज़ बोलें, हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको हेल्प करेंगे। कोई बुक्स वगैरह लगे या एक्सेट्रा लगे तो मैं डीएम साहब को बोला कि कुछ लगेगा तो हमको बताएं, तो हम लोग भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यही बोलकर मैं आप लोगों को सभी को चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें, जो एक्सपीरियंस मैं देख पा रहा हूँ आप लोग अच्छा करें और आपसे हम लोग कई सर्विस में मिलें। ठीक है, थैंक यू।